हेलो स्टूडेंट, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 8 कासायानम को अपराध अथवा तो कह अपराध। जब आप इसकी संधि विच्छेद करोगे तो कह अपराध ऐसा लिखा जाता है। कासायानम को अपराध। व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ सैप्रन क्लोथ्स। ये उन दिनों की बात है जब काका कालेलकर गांधी जी के साथ वर्क कर रहे थे। काका कालेलकर वर्क विद महात्मा गांधी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड अपॉर्चुनिटी टू शे विथ हिम, टू ट्रैवल विथ हिम एंड टू एक्सचेंज आइडिया विथ हिम। वो उसके साथ रहते थे, उसके साथ ट्रैवल करते थे और अपने आइडिया एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे। उन दिनों की ये बात है। तो उसमें से एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे ली गई है कि महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्र आंदोलन प्रारभत। महात्मा गांधी है, उसने फ्रीडम मूवमेंट है वो स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी द ग्रेट स्टार्टर द फ्रीडम मूवमेंट। आंदोलन से निखिल अपि व्यवहार प्रारंभेशु दिवसेशु साबरमती आश्रम एव प्राचलत। इस आंदोलन का पूरा व्यवहार है वो उन दिनों साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। अस्मिन् दिवसो स्वामी सत्यदेव आश्रम आगच्छत। एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आ जाते हैं। स्वामी सत्यदेव कम टू आश्रम। सह देशस्य स्वतंत्रार्थं कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावित प्रसन्न च आसीत। वो गांधी महोदय को अपने कंट्री के लिए फ्रीडम मूवमेंट के लिए कार्य करते हुए देखकर वो अति प्रसन्न हुए थे, अति प्रभावित हो गए थे। सह गांधी महोदय अकथयत अहम भवत आश्रमे प्रवेशम निवासम च इच्छामि। हे गांधी महोदय, वो कहते हैं कि गांधी महोदय मैं आपके आश्रम में एंटर करके रेसिडेंट करने की इच्छा रखता हूँ। देशस्य स्वतंत्राय कार्य कर्तुं मम अपि महत् इच्छा वर्तते। कंट्री के फ्रीडम में वर्क करने की मेरी भी बहुत इच्छा है। जो यहाँ पे देखो चित्र में गांधी महोदय और स्वामी सत्यदेव है वो जो कन्वर्सेशन कर रहे हो, पीछे आश्रम दिखाई देता है, आश्रम की कुछ घर है वहाँ पे दिखाई देते हैं। सत्यदेवस्य प्रस्ताव गांधी महोदय स्वीकृतवान। सत्यदेव के इस प्रपोजल को गांधी महोदय एक्सेप्ट करते हैं। गांधी महोदय अकथयत साधु स्वगतमत्र भवत। गांधी महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं कि साधु यानी वेल गुड, वेलकम हियर, आपका यहाँ पे स्वागत है। आश्रम अयम भवत एव किंतु आश्रम प्रवेशात पूर्वम भवत कासाण वस्त्रम त्याग करण। आप मेरे आश्रम में आ सकते हो, आपका यहाँ पे वेलकम है, परंतु आश्रम के अंदर एंटर करने से पहले आपको अपने सैफ्रन कोट लीव करने पड़ेंगे। गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यविन्दः स्वामी सत्यदेव मनसिक अकुप्य। गांधी महोदय के इस ऑर्डर को सुनकर आश्चर्यचकित में होकर स्वामी सत्यदेव है मन ही मन में एंग्री हो जाते, गुस्से हो जाते। किंतु स गांधी महोदय से पूर्वत निज रोष ना प्रकट। परंतु वो गांधी महोदय ऐसे महान व्यक्ति है, उसके सामने अपने गुस्से को प्रकट करते नहीं है। सो कथयत कथम कासाण वस्त्रम त्याग। क्यों मुझे अपने एक सैफ्रन क्लोथ त्याग करने पड़ेंगे? वाई डिन यू सैफ्रन क्लोथ, मुझे सैफ्रन क्लोथ क्यों त्याग करने पड़ेंगे? कासाण वस्त्रणम कह अपराध। व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द सैफ्रन क्लोथ, सैफ्रन क्लोथ का क्या फॉल्ट है? अहम सन्यासी जन, मैं सन्यासी हूँ। आई एम सन्यासी। सन्यासी न कासाण वस्त्राण परिधारयन्ति। आप जानते ही हो कि जो सन्यासी होते, फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद को आपने देखा होगा, वो हमेशा ऑरेंज कलर के ड्रेस पहनते हैं, इसको सैफ्रन क्लोथ्स बनते हैं बोलते हैं।
तो आप जानती हो कि सन्यासी हो हमेशा सैफ्रन क्लोथ्स धारण करते हैं। अहम कासाण वस्त्र त्याग कर तुम कथम प्रभु तो भवामी। मुझे कासाण वस्त्र जो सैफ्रन क्लोथ्स है वो त्याग क्यों करने पड़ेगी, वो पहले आप मुझे समझाओ। स्वामी सत्यदेवस्य वचन श्रुत्वा शांत स्वरेण गांधी महोदय अकथयत भवता यद उक्तम तत सत्यम अस्ति। गांधी स्वामी सत्यदेव के इस वचन को सुनकर क्लेम वॉइस में शांत स्वभाव में एकदम मृदु स्वभाव में स्वामी गांधी महोदय है वो स्वामी को कहते हैं कि आप बहुत युक्त, आपने जो भी बोला वो सही है, आप सही कह रहे हो, किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करोतु इति मम इति न मम आशय। आप किन परंतु आप संन्यास का त्याग करो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। केवल कासाण वस्त्रम त्याग कर तुम वदामि, मैं तो सिर्फ आपको सैफ्रन क्लोथ लीव करने को बोल रहा हूँ, मैं आपको संन्यास लीव करने को नहीं बोल रहा। गांधी महोदय से कथन तात्पर्य जाना न हो, सत्यदेव विचार मुद्रा स्थित मौन च अवलंबित वान। गांधी महोदय के इस कथन इंटेंशन को सुनकर थोड़ी देर तो वो इंटेंशन को न जानते हुए सत्यदेव है वो थिंकिंग पोजीशन में आ जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। तस्य तादृशी मनोदशा अवगम्य गांधी महोदय स्वकीय आशय स्पष्ट कर्तुम शांत भावेन मृदु भाषाया च सत्यदेवाय अकथय सत्यदेवाय अकथयत। गांधी महोदय इसकी मेंटल कंडीशन को देखकर उसको गांधी महोदय कहते हैं कि उसका आशय प्रकट करते हुए स्पष्ट आवाज से शांत स्वभाव से मृदु स्वभाव से क्लेम वॉइस के साथ सत्यदेव को कहते श्रुणो तु भवान सावधान न मनसा। तुम पहले सावधान होकर मेरी बात सुनो, प्लीज़ लिसन विद द अटेंटिव माइंड, अपने माइंड को शांत करके सावधान होकर मेरी बात सुनो। वयम अन्येषा सेवां कर्तुं प्रभुता स्म, हम दूसरों की सेवा करने के लिए रेडी है अथवा तो उसमें जुड़े हुए है। एतदेव अस्माकं ध्येयम् अस्ति, इसके कारण तो हमारा जो गोल है हमारा जो एम है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। सॉरी यहाँ पे कहते हैं कि एतद्व अस्माकं ध्येयम् अस्ति, ये तो हमारा बहुत बड़ा गोल है हमारा एम है। भवान जानत्येव यद अस्माकं देशे जनाः कासाण वस्त्रण धारिण संन्यासिन सेवा कर्तुं सदैव उत्सुका भवन्ति। आप हमारे देश के लोगों को हमारे कंट्री के पीपल को जानते हो कि जो सैफ्रन क्लोथ्स जिसने वियर किया है पहना है ऐसे संन्यासी की सेवा में हमेशा उत्सुक रहते, उसको देख कर उसकी सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते। यदा भवान सेवा कार्यण प्रभुतो भविष्यति तदा कासाण वस्त्रिणम धारिणम भवंत दृष्ट्वा एकत ते भवः सेवा कार्य न अंगीकरिष्यन्ति। आप जानते हो कि यदा आप उसकी सेवा में यदा आप सेवा कार्य में जुड़ोगे और आपने सैफ्रन क्लोथ्स पहने होंगे तो आपको वो आपकी सेवा का स्वीकार करेंगे नहीं, आपकी सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपरत, परंतु ते भवत सेवा कर्तुम प्रभुता भविष्यन्ति, और उल्टा वो आपकी सेवा आपकी सर्विस में लग जाएंगे। अनेन किम अस्माकं ध्येयमस्य हानि न भविष्यन्ति, यहाँ पे आएगा कि इसके कारण तो हमारा जो गोल है हमारा जो एम है उसको नुकसान नहीं होगा। संन्यासस्तु मनोगत संकल्प एव, जो संन्यास है तुम्हारा उसको तुम अपने माइंड में रखो, उसका संकल्प अपने माइंड में रखो। तस्य परिधाने स संबंधम कय अपि दृष्टिया न योग्य, उसका अपने ड्रेस के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी ड्रेस पहनो उससे आपके रिलीजन को कोई नुकसान होगा नहीं। अहम निश्चितम मन्यते यत कासाण वस्त्रण त्यागन संन्यास त्याग नेव भविष्यति, मैं आपको निश्चय कर सैफ्रन क्लोथ्स लीव करने से तुम्हारा जो रिलीजन है संन्यास का उसको तो उसको कोई हानि पहुँचेगी नहीं, उसको तुम त्याग नहीं करोगे, सिर्फ आपको सैफ्रन क्लोथ से त्याग करने।
अतः विचार्य तु भवान तदंतरम अथा योग्यम अद्योग्यम तत्कुरोति। इसके ऊपर विचार करके तुम्हें जो योग्य लगे वो तुम आगे करो। गांधी महोदय से एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशय तस्मिन् क्षणे व्यपगत। व्यपगत का मतलब होगा कि डाउट जो था वो निकल गया है। गांधी महोदय के इस वचन को सुनकर स्वामी सत्यदेव के मन के अंदर जो भी डाउट था वो उसी क्षण एट दैट टाइम वो वहाँ पे निकल जाता है। और सह काषाण वस्त्रं त्याग कृत्वा सेवा कार्यम आत्मानं योजितं सन्नो भवत। और उसके बाद वो अपने सेफ्रन क्लोथ्स को लीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को। इस पाठ से हमें ये बोध और ये मोरल मिलता है कि अगर आप कोई भी सेवा करिए या कोई भी सर्विस करते हो, सेवा करते हो किसी की, तब आपकी प्रतिष्ठा है वो वहाँ पे बाधक न बन जाए, उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अस्तु।